शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी हुई। क्या हुआ है कोर्ट में, क्या उन्हें जमानत मिली है या जेल में रहना होगा, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो थोड़ी देर पहले ही जो है राज कुंद्रा और उनके साथ जो है एक और रेयान थारप जिनको नेरुल से गिरफ्तार किया गया था, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप आप सभी जानते ही हैं कि उन पर अश्लील वीडियो कंटेंट बनवाने और ऐप पर अपलोड करने का आरोप है और भारत में पोर्नोग्राफी जो है वो बैन है। तो ऐसे में इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया और अब जो है उन्हें 23 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी कि अब पुलिस जो है उनसे बहुत कुछ उगलवाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो लगभग आज जो है 20 तारीख है तो और 2 दिन के लिए उनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो आज सुबह सुबह उन्हें पेश किया गया था, मैंने आपको विजुअल भी बताए जब उनको और रेयान दोनों को जो है पुलिस की वैन में बिठाकर ले जाया गया था कोर्ट में और वहां पर उन्हें आज पेश किया गया। सुबह 4 बजे मेडिकल भी हुआ उनका, कल 9 बजे राज को बुलाया गया था, उसका बयान दर्ज किया गया, 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो गहना वशिष, शर्लिन चोपड़ा, ये सभी का बयान जो है पहले ही दर्ज किया जा चुका है, जिसमें शर्लिन ने तो ये भी खुलासा किया कि उनको एक गंदा वीडियो बनाने के 30 लाख रुपए मिलते थे और ऐसे 15 से 20 प्रोजेक्ट जो है उन्होंने राज कुंद्रा के लिए किए हैं। तो अब खबर आ रही है कि दोनों को, यानी कि राज कुंद्रा और रेयान जिनको आज सुबह अरेस्ट किया गया था, दोनों को 23 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इसको लेकर कोई और भी अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।